इस बार जो आ, जो एन ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है उससे जो इम्पैक्ट है स्टूडेंट्स पे एक तो फर्स्ट जो इम्पैक्ट होगा दैट दिलेबस बर्डन जो हो जाए दैट विल बी रिड्यूस्ड हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर टॉक शो एज यू ऑल नो डेट नीट एग्जाम डेट हैज ऑलरेडी रिलीज बाय एनटीए सो स्टूडेंट्स आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स सो वी आर हेयर टू क्लियर देयर डाउट्स एंड क्वेरीज आई एम वनना यूर होस्ट फ्राम टॉपर्स अकेडमी एंड टूडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट मिस्टर विजय कुमार सर हु इज ऑल्सो अ फिजिक्स फैकल्टी एट टॉपर्स अकेडमी वेलकम टू अवर शो सर थैंक सो सर हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्टूडेंट जैसे कि एंटीए ने अभी सिलेबस अपडेट किया है तो उसके रिगार्डिंग जो मतलब बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि जो सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है या फिर इंक्रीज किया गया है या या वो किस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है इस बार जो जो एंटीए ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है उससे जो इंपैक्ट है स्टूडेंट्स पे एक तो फर्स्ट जो इंपैक्ट होगा दैट दिस सिलेबस बर्डन जो हो जा दैट विल बी रिड्यूस्ड तो एक उस पर उसके पास जो है स्टूडेंट्स के पास एक स्पेसिफिक एरिया आ जाएगा जिस पे कि वो फोकस कर पाएंगे और दूसरी चीज है कि आ, दे विल स्पेंड मोर एंड मोर टाइम फॉर द रिवीजन एंड दे, दे विल फोकस ऑन द पार्टिकुलर सब्जेक्ट टू इन्हेंस देयर मीन्स अपना उसमें ये इम्प्रूव करेंगे अपनी क्लैरिटी इम्प्रूव करेंगे उसमें पकड़ अपनी मजबूत करेंगे उसमें

they don't have the uh, means uh, uh, 100 clarity in the physics uh, that's why they are facing the problem but agar sabse pehle students kya kare ki jo mathematical what are the uh, basic mathematics required है पहले उसपे work करे फिर basic fundamental पे अपना work करे फिर अपने जो है pyq पे work करे तो definitely that will be improved and uh, that score can be increased

वो स्ट्रांग हो जाती है हो सकता है कि किसी स्टूडेंट्स का किसी पार्टिकुलर एरिया में जो है पोर्शन कुछ विक रहा हो तो भी उसमें स्ट्रांग हो जाती है तो ओवरऑल जो है इसमें स्टूडेंट्स की जो है एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है डेवलप हो जाती है और स्कोर करने की चांसेस भी साथ साथ में वो इंक्रीज कर जाती है तो सर जैसा कि मतलब एक बार स्टूडेंट्स के लिए वो मतलब डाउट्स रहते हैं कि वो कितना टाइम दे एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली कितने मतलब कितने इतना टाइम पढ़ाई करे वो तो वो कैसे करे क्योंकि सर आपको पता है कि फिजिक्स जो है जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए फिजिक्स क्या है हमेशा वीक पॉइंट रहता है उनका तो उसके लिए कोई टिप देना चाहेंगे आप जैसे कि अगर हम टाइम की बात करें वो स्टूडेंट्स के एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि जैसे कि अगर नीट के स्टूडेंट्स है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो है तो उसको वो अपने हिसाब से कि उसमें उसकी पकड़ जो है कितने टाइम में वो अपने कंप्लीट कर पाते हैं लाइक like, फिजिक्स में एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि इट इज़ कंसिस्ट ऑफ दी अगर मान लेते हैं कि बच्चे कोई एक पार्टिकुलर चैप्टर को मान लेते हैं स्किप कर देता है तो उसमें क्या है कि उसका जो कंसेप्ट जो है जो स्किल्स जो है जो जितनी डेवलप होनी चाहिए वो और रिड्यूस हो जाती है तो इसमें क्या है थोड़ी सी तो टाइम देनी पड़ेगी as as to 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 the the uh, uh, I can say that uh, for as compared to the biology and chemistry he he has has uh, much more time at at least least put uh, from my side it should be at least four hours in a day okay बच्चों को कैसे वो प्रिपरेशन करे क्योंकि आपको पता है कि नीट का जो एग्जाम का डेट है वो ऑलरेडी आ चुका है तो बच्चे फिलहाल अभी जो है बहुत ज्यादा प्रेशर में आ चुके हैं कि कैसे होगा तो उनके लिए टिप देना चाहेंगे आपकी वो अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करे देखिए फिजिक्स का जो है उसका प्रिपेशन का एक ही है मींस आप अपने आप में जितना ही बेसिक बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और जितना भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर क्लियर करेंगे उसी से बच्चों को आइडिया मिलेगा क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं तो मेरे हिसाब से तो ये है कि जितना प्रैक्टिस एंड पी वाई क्यू प्रैक्टिस एंड पी वाई क्यू एंड दैट विल डेवलप देवल देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड दे विल गेट ए गुड स्कोर सो so, सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे मतलब मान लीजिए कि बच्चे जो है नीट का एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कई बार एक ही क्वेश्चन को वो बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं है ना तो और बाकी दूसरे जो क्वेश्चन है उन उनपे वो पर्टिकुलर टाइम नहीं दे पाते तो ईच क्वेश्चन पे उन्हें कितना टाइम देना चाहिए ये बच्चे जो क्वेश्चंस पे टाइम देते हैं जैसे अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स पे जो है किसी किसी भी क्वेश्चंस को पढ़ने में बच्चों को काफी टाइम ले जाता है तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि उसको एक पिक्चर फॉर्म में बनाएं जैसे कि क्वेश्चंस अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो व्हाट आर द इनपुट डाटा उसमें प्रोवाइड किया है पहले एक रफ नोटबुक पे लिख ले नोट डाउन कर ले उसके बाद उसमें क्या क्या पूछना है उस जेट इज कॉल द आउटपुट सबसे पहले एक हमारा कैटेगरी क्या हो गया इनपुट एक डायग्राम के फॉर्मेट में उसको बना ले और फिर आउटपुट मीन्स उसका मुझे फ़ाइनल आंसर क्या चाहिए उसको आउटपुट बना ले तो इससे क्या हो जाएगा कि स्टूडेंट्स के पास जो है कि बार बार पढ़ने के क्वेश्चंस में दैट डिफरेंटली uh, उसमें टाइम जाता है तो वो टाइम को रिड्यूस किया जा सकता है और उसमें क्वेश्चंस को फाइनली गेट द आंसर तो सर अभी फ़िलहाल आपको ही पता है कि इस जो हर साल जो है दस से बारह लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं नीट का फॉर्म भरते हैं और सीटें जो है वो इंक्रीज़ मतलब इंक्रीज़ होने वाली थी बट इस साल नहीं हो रही है इंक्रीज़ बट जो स्टूडेंट एसपेरेंट्स है वो हमेशा लगातार इनक्रीज़ हो जा रही है तो उस सिचुएशन में बच्चे कैसे अपने कैसे मतलब सिचुएशन में बच्चे जो है अपनी स्ट्रैटी बनाएंगे कैसे प्रिपरेशन करें कि वो नीट जो है क्वालीफाई कर ट्वेंट ट्वेंटी में Uh, देखिए ओवरऑल जो बच्चे का रहता है कि uh, अगर हम केमिस्ट्री और मैथ्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो बच्चे कर लेते हैं तो फंसते हैं मेन भी है फिजिक्स में ही क्योंकि बायोलॉजी में जो मेनली जो फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन से होते हैं तो ऑलमोस्ट उसमें जो बच्चे जो है करीब नाइन्टी परसेंट क्वेश्चन जो है करेक्ट कर लेते हैं केमिस्ट्री भी कर लेते हैं तो जहाँ पे कि मेन जो फोकस बच जाता है फिजिक्स दैट इज़ दी वो आपका डिसीजन फैक्टर बन जाता है तो बेसिकली बच्चे जो है फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करें उसके फंडामेंटल पे फोकस करें बेटर मैस मैं, मैं कहूँगा कि फंडामेंटल के बाद सीधे अपने जो है पी वाई क्यू पे लग जाए

उसे वो कैसे मतलब प्रिपरेशन करें कैसे आप स्ट्रेटजी अपनाएंगे बच्चों को पढ़ाने में कि बच्चों के लिए वो इजी वे में वो समझ पाए और आसानी से जाके वहाँ पे नीट का एग्जाम दे सके सबसे पहले तो मैं फिजिक्स को क्या करूंगा उसको सिंप्लीफाई करूंगा हुँ. कि पहले उसको डिवाइड कर दूंगा कि किस पार्ट को बच्चे जो है इजिली क्राफ्ट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि फिजिक्स में जैसे कि थर्मोडाइनिक्स पार्ट है उसमें ज्यादा मैथमेटिक्स का यूज नहीं है तो उस पार्ट को मैं क्लियर करूँगा और बच्चे उसको काफी इजिली समझ भी सकते हैं और दूसरा जैसे कि टॉपिक्स हुआ मॉडर्न फिजिक्स तो मॉडर्न फिजिक्स में भी काफ़ी जो है प्रॉब्लम जो डायरेक्ट पूछते हैं तो इस तरह से हमको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा किस किस पोर्सन को हम पहले कवर कर लें जिसमें कि मैथमेटिक्स का यूज़ कम हो और बच्चे उसमें बच्चों को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आए तो इस हिसाब से प्लानिंग किया जा सकता है और सबसे लास्ट में उस सब्जेक्ट को हम फोकस करेंगे जिससे बच्चे भागते हैं तो उसको भी हमको एक पर्टिकुलर मींस स्पीड में ही कवर करना पड़ेगा एक इंटरेस्ट वे में उसको कवर करना पड़ेगा ताकि बच्चे चीजें हैं इजिली उसको कवर अप कर सके ओके थैंक यू सर थैंक यू और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें थैंक यू